ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। और अपने आगे कॉलेज लड़की पटा दी है। क्या बात कर दी इसने, क्या बोल रहा है बता। भैया हेयर स्टाइल किस लिए कर रहे, क्योंकि भैया को लड़की पटानी है। सो हेलो दिन, गुड मॉर्निंग, मैं घर का दोनों आप सभी ब्यूटीफुल का वेलकम करता हूँ मेरे आज के व्लॉग में। सो भाई मॉर्निंग अपने में एकदम रेडी और सब कुछ नाश्ता ऐसा सब कुछ सेट हो चुका है। सुबह सुबह मस्त पापा ने बनाई थी फ्रैंकी मेयोनीज वाली, मस्त मजा आ गया खा के। अब निकलते कॉलेज के लिए बिना देरी किए। आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, लिटरली मेरे हाथ जम चुके हैं। अब मुझे नहीं पता मैं अपना काम कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे को ड्राइंग करनी है, बहुत कुछ करने का है और हाथ जो है वो तो मेरे जमे हुए हैं। ऐसे फ्लो फ्लो में सेकंड ईयर के क्लास में घुस गया था। अभी हमारा क्लास कौन सा है आज यार, यहाँ पर टाइम टेबल है, टाइम टेबल आज थर्सडे, रूम नंबर 7। अरे मैं तो बराबर हूँ यार, ये सेकंड ईयर वालों का कहाँ पे है, इनका पे रूम नंबर 7 गजब पेशी थी। पर तुम्हारा भी रूम नंबर 7 में, हमारा भी रूम नंबर 7 में, ऐसा कैसा। और यहाँ पे आ जाइए ट्विंकल ट्विंकल, बहुत दिनों के बाद जम्मू कश्मीर घूम के आइए। वो पिछले महीने, अच्छा एक महीना हो गया। रोज इंस्टाग्राम पे तो उसके ही पोस्ट आते हैं। क्या बात है, नहीं बे। हाँ बे, अभी बेंटो बीके से। हाँ अभी बेंटो बीके से न्यू रेस्टोरेंट के से फोटो। अच्छा बेंटो बीके, मतलब गाली दे रही कौन से अलग लैंग्वेज में। लेक्चर खत्म हो गया, अब निकले घर के लिए। और वो उसको पता नहीं किससे फ़ोन पे बात करते रहती है भाई, हमसे कोई बात करता ही नहीं है। चलो सब निकल चुके हैं, मैं ही सबसे लास्ट में निकला हूँ और ये सबसे लास्ट में मेरे पीछे वो धुपे से भाग गई। चलो अपने भी घर पे निकलते हैं। क्या कर रहा है, हेयरस्टाइल क्या कर रहा है। कुछ हेयरस्टाइल नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। और अपने आगे कॉलेज लड़की पटा दी है। क्या बात कर दी इसने, ओबे क्या बात कर दी है इसने, लिटरली मम्मी को बोलना पड़ेगा अब तो। क्या बोल रहा है बता। भैया हेयर स्टाइल किस लिए कर रहे, क्योंकि भैया को लड़की पटानी है। तुलसी लाई मम्मी भड़क गई दे रहे बे। तूने ऐसा बोला कैसे, कैसे बोला तूने ऐसा, तुझे ऐसा ही लगता है, ऐसा लगता है तू आजकल कुछ ज्यादा मेरे व्लॉग्स देख के उल्टा उल्टा मत समझा कर, ठीक है। तूने ऐसा कैसे बोला, ऐसा तूने बोला कैसे, कैसे बोला तूने, कैसे बोला तेरी रुक जा, तेरी तो आज नहीं होगी। कैसे बोला तूने, बोल नहीं करूंगा, माफ कर दो। अगली बार से किया तो क्या करूं मैं, ठीक है मंजूर है, इस बार तुम्हें माफ किया, तख लिया। अब सही में यार आजकल के बच्चे क्या ही तो बातें करने लग गए। जस्ट मैं बाल सेट कर रहा हूँ उसे बोल रहा भाई लड़की पटा रहा है, मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस टॉपिक पे आगे। चलो मम्मी ने चाय रख दी, अब नाश्ता भी और लंच भी कर लेते। कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया मैं तो, नाश्ता लंच लॉन्च ऑलरेडी मैं कॉलेज में कर लिया था, नाश्ता अभी कर रहा हूँ मैं। और दिशा को सही मालूम बहुत गुस्सा है, ये कैसी फालतूक से बात की है उसने, लिटरली लड़की पटा लेते। तो ये रही अपनी चाय, अगली बार से ऐसी बातें सुन। क्या क्या कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन से ग्रह की है, नहीं समझ आ रहा भाई तेरी अजीबोगरीब बात है। सब मैं जरा वॉक करके आ गया और दिशु को थोड़ा खिला दिया नीचे। दिशु और पापा दोनों मिलके छील रहे मटर, ठीक है, क्योंकि कल बनने वाला है, वो कल ही बताऊंगा मैं, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। जो कल है बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश है, काफ़ी लोगों को पसंद है, बहुत मस्त चीज़ बनने वाली है कल लंच के लिए, ठीक है, मेरे कॉलेज के लंच के लिए पापा मस्त कुछ चीज़ बनाएंगे पापा और मम्मी मिलके। सो कल ही मालूम पड़ेगा और कल ही दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल अभी के लिए देखते हो मम्मी अपने लिए क्या खाना बना रही है। माता जी हमारे लिए आज का क्या मेनू है, आज आपके रसोई में क्या बन रहा है, करेले की सब्जी। करेले की सब्जी, अरे ये तो पनीर है, ऐसा झोल झमाल क्यों करते हो मेरे साथ, मेरे को पता है आप थोड़ी देर में मेरा भी दिल मेरा मुंह से बाहर निकल जाता है, सॉरी दिल नहीं मेरा पेट। जैसे कि तू खाने ही वाला था करेले ना, वो तो मैं कभी अपने जीवन में ना खाऊं, कभी जीवन में ना खाऊं। तू खाएगा करेले की सब्जी, करेले की सब्जी बनी है,
मेरे डायलॉग चेप रहा है भाई, लिटरली मेरे डायलॉग चेपने को मिले, खुद से कभी कुछ बना ले नहीं आता, स्कूल में बेटा स्कूल में पढ़ाई करो पढ़ाई करो। यस छील छील। पापा ने एक फ्लुएंटली स्पीच दी है कि करेला खाएगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, मतलब हमें रोज करेला खाना चाहिए गाइस, आप भी करेला खाना, कौन कौन खाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जिसको जिसको करेला पसंद है। मुझे बिल्कुल इतू सा भी नहीं पसंद है यार करेला, पता नहीं पापा को कैसे करेला पसंद है यार। सब मैं खाना खा के बड़े पापा के घर पे आकर थोड़ा सा नॉक करता है, कोई है क्या, कोई है क्या, लगता है कोई नहीं है। अरे कौन है? ओ कृष्णा मैडम, मजा मत, कैसे हो ताली? सो मैं कृषा को हाय हेलो गुड नाइट बाय टाटा सी यू गुड इवनिंग और भी कुछ होता है, हैप्पी स्प्रिंग हैप्पी स्प्रिंग हैप्पी मॉनसून हैप्पी विंटर सब कुछ बोल के आ चुका हूँ और आपको भी यही कहना चाहता हूँ। इस व्लॉग को करते ही पे एंड, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और होप करता हूँ आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा अच्छा लगा जरूर लाइक, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन सब लोग ऑल पर डाल देना। हमको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग साथ एक नए दिन के साथ, खेलिए। और हाँ, जानना है ना कल क्या था, मटर से क्या बनने वाला है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड और बस और कुछ नहीं, तब तक के लिए बाय बाय।